माय नेम इज़ यदि शर्मा। सो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं कुछ स्टडी प्रोसेसिंग के बारे में बताना चाहूँगी कि पहले जो है मैं रटाफिकेशन करती थी, उसके बाद जब लॉकडाउन लग गया तो जैसे पढ़ाई तो बैन ही हो गई थी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में इतना ध्यान नहीं था और शुरू में इतनी ऑनलाइन क्लासेस थी भी नहीं। मुझे नहीं पता था कि मैं आगे जाकर पढ़ाई कर भी पाऊँगी इतने अच्छे से। मुझे लगता था कि जैसे स्कूल में जो सबसे लास्ट बेंच पर बैठते हैं ना, तो मैं लास्ट बेंचर ही बन के रह जाऊँगी, सबसे पीछे ही बैठूँगी, मैं कभी आगे नहीं बैठूँगी। जैसे मेरे टीचर्स मुझे हमेशा एक्सेलेंट, गुड परफॉर्मेंस, गुड गर्ल से कहते थे, मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे दोबारा इस नाम से कभी बुलाएंगे। पर जब मैं बी क्लब में ज्वाइन हुई, जब उन्होंने पापा को ज्वाइन किया, उसके बाद जब मैं ज्वाइन हुई तो मुझे एक अलग से कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं भी फर्स्ट बेंचर बनूंगी, मैं नहीं बन सकती लास्ट बेंचर। और उसके बाद जब प्रॉफिट हुआ और जब मैंने देखा कि मैंने किसी के भी आंसर नहीं देखे हैं, सिर्फ क्वेश्चन से जो मेरे बुक के लास्ट में जो इतने सारे क्वेश्चन थे, इतने टफ टफ क्वेश्चन थे, वो मुझे ऐसे लग रहे थे कि बस ये तो हो ही गया, ये बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है। मतलब एक ऐसा कि बिना आंसर्स के भी मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बिना रटाफिकेशन के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। और इस एक्सपीरियंस के लिए जो मैं ये आज जो भी कुछ हूँ, और उसका क्रेडिट जो जाता है वो जाता है पूरी बी क्लब टीम को, और मेरे फादर को भी जाता है क्योंकि मेरे फादर ने मुझे एक राइट पाथ दिखाया। और जो मुझे जो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ वो राकेश सर के जो उनके बताने का तरीका था पढ़ाई का, उसकी वजह से खड़ी हूँ। तो मैं इन दोनों को दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू पापा एंड थैंक यू सर कि आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और पहले मुझे स्टेज पर खड़े होने में इतना डर लगता था कि बस मैम ने स्पीच तैयार करने के लिए दे दी, बोल दी, पर ना ही मैंने कोई स्पीच तैयार किया है आज और ना ही कुछ किया। मैं आराम से बैठी थी, मैं बस ये देख रही थी कि मेरा नंबर कब आए, मन ही नहीं करता कि मैं अपनी सीट पर जाकर बैठूं, ऐसा लगता है कि बस स्टेज पर ही खड़ी रहूं। थैंक यू।